नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं बिहार में पॉलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्रों में नौकरियों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा करेंगे। आज बीजेपी का घोषणा पत्र आया है। बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो एक साल के अंदर 19 लाख रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी। अब इस कड़ी पर आगे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से है नितिन जी एंड आरजेडी से है चितरंजन गगन, माफ कीजिएगा बीजेपी से है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। चितरंजन जी, आपको क्या लग रहा है? आप लोग तो खुश होंगे, तेजस्वी पहले दिन से 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू लगातार सवाल उठा रही थी कि 10 लाख नौकरियों के लिए पैसे कहां से आएंगे, बजटीय आवंटन कहां से आएगा, और अब बीजेपी ने खुद अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार की बात कर दी है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बीजेपी आपके रास्ते पर आ गई। देखिए, बीजेपी हम स्वागत करते हैं, कम से कम बीजेपी जो है इस मुद्दे पर आई, लेकिन बीजेपी जो घोषणा किया वह काफी भेग है। वह उसके द्वारा कहा गया है कि वह 19 लाख रोजगार की संभावना तलाश करेगा, तो ये तो उसी ढंग से हो गया जैसे कि मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष में रोजगार दूंगा, उसी ढंग का है। 19 लाख रोजगार की तलाश करेंगे ही कि यहाँ संभावना उसकी क्या है उस पर बने, इसलिए यह तो केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए या और मजबूरन में, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल और इसके नेता तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी का जो वादा कर चुके हैं कि सरकार बनने के पहले कैबिनेट में हम इस ढंग का निर्णय लेंगे, इसलिए इनको मजबूरन यह निर्णय लेना पड़ा। लेकिन वह केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, रोजगार की तलाश करेंगे ही नहीं। चितरंजन जी, बीजेपी ने साफ कहा है कि 3 लाख नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में, 1 लाख स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बाकी रोजगार के अवसर की बात होगी। आपके नेता भी यही कह रहे हैं कि 4.5 लाख वैकेंसी है और 5.5 लाख अतिरिक्त वैकेंसी हम क्रिएट करेंगे। गोपाल जी, क्या आप लोग जो पहले तक सवाल उठाते रहे तेजस्वी की घोषणाओं पर और आज खुद आप लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, तो क्या यह दबाव में उठाया हुआ कदम है? क्या बीजेपी आरजेडी के दबाव में आ गई? नहीं, देखिए, हमने एक पूरा क्लियर कट रोड मैप भी वहाँ पे हमारे घोषणा पत्र में है। हमने फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपनी रोड मैप के बारे में यहाँ कहा है, और उस रोड मैप के अंतर्गत हमने ऑलरेडी केंद्र में फार्म बिल्स पे 3 जो नए बदलाव हैं वो घोषणा भी कर दी है। उसी की इम्प्लीमेंटेशंस में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम एवरेज से 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और 1 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में 1,000 लोग होते हैं, तो हमारे हिसाब से 10 लाख रोजगार तो सीधे यहाँ पे हम क्रिएट करने का पूरी तरह से यहाँ से प्रबंध कर रहे हैं। दूसरा, आपने बता ही दिया कि शिक्षा के क्षेत्र की बात है, और फिर एक जो और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा भी बहुत सारे रोजगार की महिलाओं के लिए हमारा प्रयास पूरा आगे रहेगा और उस तरह का एक रोड मैप क्लियर कट हमारे सामने है। हेल्थ में हमने 28 नए मेडिकल कॉलेज की बात की है, 28 नए मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो हॉस्पिटल बनेंगे उसके साथ नर्सिंग स्टाफ रहेगा, एजुकेशनल स्टाफ रहेगा, पैरामेडिक स्टाफ रहेंगे, उस तरह से भी बहुत बड़ा रोजगार का जो आने वाले समय में उस रोजगार का भी सृजन उसमें होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास अभी पीछे के 15 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट हमने 2004 में हमने लिया था, जो आरजेडी ने छोड़ा था, वो 3.1 की जीडीपी ग्रोथ रेट थी। इस 15 साल में 11.3 की जीडीपी ग्रोथ रेट है और एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.9 की ग्रोथ रेट थी, वह लगभग 12% की ग्रोथ रेट से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 15 साल में बहुत मजबूती से ग्रोथ रेट हुई है, उसके साथ ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा तेजी से हुई है। केंद्र सरकार का पूरा फोकस है, लगभग 1.25 लाख करोड़ का पूरा पैकेज केंद्र सरकार ने बिहार को, राज्य को पिछले वर्ष दिया, और
केवल बजट को ही देखा जाए तो जिस वक्त 2004 में हम लोगों ने यह सत्ता प्राप्त की थी बिहार में, तो उस वक्त मात्र 23,000 करोड़ का बिहार का टोटल बजट होता था, वह बढ़ के आज 2,25,000 करोड़ हो गया। तो यह सारा सुशासन बाबू के रूप में, आर्थिक प्रगति के लिए रोड मैप के रूप में यह हमने सामने रखा है। ऐसा कोई रोड मैप 10 लाख का या किसी भी तरह का आरजेडी का नहीं है। और केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का डबल इंजन का जो ग्रोथ होगा रोड का, नितिन जी के नेतृत्व में जिस तरह से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, फर्टिलाइजर्स के रूप में कारखाने जो बन रहे हैं गैस पाइपलाइन के थ्रू, तो मुझे लगता है कि यह क्लियर कट रोड मैप है। उसका कैलकुलेशन है हमारा कि हम 19, हमने प्रॉमिस नहीं किया है कि हम करेंगे, हमने एस्टिमेट किया है कि हम 19 लाख रोजगार आने वाले समय में सृजन करेंगे। गोपाल जी, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना कि तेजस्वी कह रहे, तेजस्वी एक लाइन में स्पष्ट कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 4.5 लाख वैकेंसी है, जो आप लोग भी कमोबेश मान रहे हैं कि 3 लाख एजुकेशन में, 1 लाख हेल्थ सेक्टर में, और 5.5 लाख नौकरी हम क्रिएट करेंगे। तो उनकी ओर से साफ कहा जा रहा है, तेजस्वी साफ कह रहे हैं और हर रैली में कह रहे हैं, हर रैली में अगर वो 15 मिनट औसत बोलते हैं तो 10 मिनट वो साफ कह रहे हैं कि हम, मेरी कलम से अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली साइन जो मैं करूंगा वो 10 लाख नौकरियों की करूंगा। और आप लोग 4 लाख से ज्यादा का डेटा जो है वो आप रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। ये जो चितरंजन जी सवाल उठा रहे थे कि ये जो ये 15 लाख का जो घालमेल है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पर वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतर पाया। तो ये 15 लाख भी लोगों के मन में सवाल तो होगा कि ये 4 लाख तो ठीक है जो सरकारी नौकरियां है, ये 15 लाख नहीं, सवाल यह है कि कल तक सुशील मोदी जी सवाल उठा रहे थे, सुशील मोदी जी इसमें पहले सुन लिया जाए, कल तक सुशील मोदी जी सवाल उठा रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा। आज उनके भारत सरकार के वित्त मंत्री आकर जो है सो कहते हैं कि हाँ साहब इतना हम रोजगार देंगे, इतना जो है सो वैकेंसी है। सवाल यह है कि 15 साल में आपने यह इन वैकेंसी को क्यों छुपा के रखा, यह तो आप क्लियर रहे। आज जब राष्ट्रीय जनता दल द्वारा यह जब मामला उठाया गया है वो आज आप कह रहे हैं, एक और बहुत गंभीर मामला यह है, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 7 निश्चय योजना जो है, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में लागू करेंगे। भाजपा जो है सो अलग घोषणा पत्र आज लाई है। सवाल यह है कि इनका घोषणा पत्र या सरकार, जो सरकार जिसे मुख्यमंत्री कोई मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार कहां उस, आप इनका जो घोषणा पत्र आज जो कुछ भी इन्होंने कहा है वह तो रद्दी कागज का रद्दी का टुकड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। नीतीश कुमार तो जो है ऑलरेडी 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा कर चुके हैं, इसलिए माने इनका जो आज जो कुछ भी हुआ है केवल जो है सो केवल आश्वास है लोगों को भ्रमित करने के लिए। इनके घोषणा पत्र का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है, केवल कागज का एक टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दिया गया भाषण है जो तो अखबारों में छपेगा, मीडिया में आएगा। दूसरी बात, जब आज एक्सेप्ट कर रहे हैं इनके वित्त मंत्री हैं भारत सरकार के सुशील मोदी, कल जो है सो उनका बयान आया कि अब पैसा कहाँ से आएगा, आज जो है सो ये कह रहे हैं कि इतना वैकेंसी है, आपकी नियत साफ नहीं है। जो यह जो 1,25,25,25 करोड़ का पैकेज की बात कर रहे हैं, पीएमओ से सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया 1,25,00,000 करोड़ रुपया जो पैकेज प्रधानमंत्री जी घोषणा किए हैं वह कहाँ खर्च हुआ, कोई जवाब पीएमओ से नहीं आया। सवा कहाँ पैसा गया, कहाँ खर्च हुआ, लोग जानना चाहते हैं, बिहार के लोग, या कि प्रधानमंत्री जी जो 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज दिए जिसकी रट लगा रहे हैं वो पैसा गया कहाँ। पीएमओ कह रहा है कि कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं दिया गया है, प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश जी कह चुके हैं कि हाँ साहब वह जो है सो कहाँ गया, नीतीश जी खोज चुके हैं। आज भले ही दोनों गलबैया करके साथ हैं, अवसरवादी गठबंधन है, सत्ता में बने रहने के लिए दोनों जो है सो कोई नीति सिद्धांत है नहीं। चितरंजन जी गोपाल जी को जवाब दे दीजिए। गोपाल जी, हाँ देखिए, चितरंजन जी सोच रहे हैं कि जैसे तेजस्वी यादव की पब्लिक रैली होती है
वहां पे वो कुछ भी अनर कुछ भी बोल दे चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम रिपोर्ट कार्ड के साथ अपनी नहीं नहीं आप बताइए ना दो नहीं आप बताइए ना प्रधानमंत्री जी जब यहाँ घोषणा किए थे नहीं 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का, क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज दिए, पीएमओ कह रहा है कि कोई जानकारी नहीं है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं है, इसका जवाब दीजिए ना। यह जवाब दीजिए कि आप जो घोषणा पत्र जारी किए हैं इसका क्या औचित्य है? यह कागज के टुकड़ा के अलावा कुछ है क्या? मुख्यमंत्री आप नीतीश कुमार को मानते हैं, नीतीश कुमार ऑलरेडी घोषणा एक बार नहीं बार बार कर चुके हैं कि हमारी अगली सरकार अगर मौका मिला तो 7 निश्चय पार्ट 2, 7 निश्चय जो महागठबंधन का एजेंडा था, महागठबंधन की सरकार जब बनी थी बिहार में। रंजन जी ये सवाल आप पूछ चुके हैं, गोपाल जी को जवाब दे देने दीजिए। गोपाल जी देखिये, हाँ रंजन जी अपना राग लापना शुरू फिर कर देंगे, अभी मैं कुछ बोलूंगा उसके पहले ही वो अपना राग लापना शुरू कर देंगे। मैंने राग हम नहीं लापते हैं, अरे आपके बातों के आपके नेता अमित शाह जी कहते हैं कि जुमला बोलते हैं, चुनावी जुमला, 2 करोड़ रोजगार पर 15 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को देने पर खुद आपके अमित शाह जी बोल गए कि चुनावी जुमला है। तो जुमलेबाजी आप लोग करते हैं, हम लोग जो है हवा हवाई में बात नहीं करते, हम लोग जो बात करते हैं ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जुमलेबाजी नहीं करते, जो कहेंगे सो करेंगे। गोपाल जी को जवाब देने दे दीजिए चितरंजन जी। देखिए सबसे पहली बात है कि जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें रिपोर्ट कार्ड भी है और मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि किस तरह से हमने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का पूरा प्लान बनाया। मेडिकल कॉलेजेस की जो स्थिति है बिहार में अभी, और हमने पूरे 28 नए मेडिकल कॉलेजेस की बात की है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात है, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पूरा रोड मैप की बात है, कैसे आएगा केंद्र सरकार से, कहाँ से फंड आएगा, कैसे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे काम करेंगी, उसके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण की पूरी तरह से रोड मैप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर केवल नौकरियां देना, नौकरियां दे दूंगा प्रॉमिस करने से, कहने से थोड़ी नौकरियां आ जाती, नौकरियों का सृजन कैसे होगा, रोजगार का कैसे सृजन होगा, उसके लिए पूरी तरह से बताना पड़ता है। और वह हमने बताया है कि कृषि क्षेत्र में जो पूरे देश की एवरेज ग्रोथ रेट जो 4-5% की अभी कृषि क्षेत्र की जीडीपी ग्रोथ रेट अभी पूरे देश में है, वहीं हमने पिछले 15 साल में बिहार में उसको 12% की ग्रोथ रेट से तेजी से उससे ज्यादा के करीब बढ़ाया हुआ है, जो केवल 4% कि आपके आपके घोषणा पत्र का उचित क्या है? आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं, नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया है 7 निश्चय पार्ट 2, तो फिर आपका इस घोषणा पत्र पर क्या, इसका औचित्य क्या है? चितरंजन जी एक आदमी को बोल लेने दीजिए, फिर दूसरा आदमी बोले। गोपाल जी आप जवाब दीजिए। ये फिर से वही की वही बात, रिपीटेशन, दूसरे को बोलने नहीं देना। इसी कारण तो बिहार के लोगों ने आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरह मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया है। एक आपका नेता जेल में पड़ा हुआ, चारा घोटाले में फंसा हुआ पड़ा हुआ है, एक परिवार से ऊपर आप राजनीति कर नहीं सकते, राजनीति में आप एक माँ बेटा भाई पत्नी इसके ऊपर कभी सोच नहीं सकते, और आप बिहार के ऊपर सपना देख रहे हैं गुंडा राज। आपने एनसीबी की रिपोर्ट देखी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या थी? एनसीआरबी की रिपोर्ट ये है कि पिछले 15 साल में जब गुंडा राज और बूथ कैप्चरिंग का पूरा काम था, आप क्या बूथ कैप्चरिंग का लोगों को रोजगार देंगे क्या? वह रोजगार था। और अब उसके बाद जो रेप जैसे जघन्य क्राइम्स में 40% की कमी आई है, डेकोइटी की, डाका पड़ने की 70% की कमी बिहार में हुई है, और 27% के मर्डर केसेस, 21% के मर्डर केसेस में कमी आई है। तो क्राइम जब तक आप किसी देश में कम नहीं कर पाएंगे, किसी प्रदेश में, तब तक आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार और गुंडा राज, और इनका कांग्रेस का और इनका आरजेडी का क्या काम है? माले के साथ अलगाववाद और जो नक्सलवाद, उन लोगों को आपने टिकटे दिए, जिन्ना के भक्तों को आप, तो गोपाल जी नहीं, बलात्कारियों का बुरा क्या है, अपराधियों का संरक्षण दीजिए,
गोपाल आज के सही प्रयोग हो गया, आज यदि मेहनत किया तो अपराधी हो गया, क्या दोहरी मानसिकता रखते हैं, थोड़ी मानसिकता थोड़ा तो जो है पब्लिक के बीच में जाइए, थोड़ा मानसिकता तो सब रखिए, आपके संस्करण किया हुआ गंगा के समान पवित्र हो गया, एक पड़े अपराधी बलात्कारी और न जाने कितने अपराधी के अपराधी लोग आपके पार्टी में है, हम नहीं कर रहे, रिपोर्ट आप देखिए दिया है कि 15 साल में सबसे ज्यादा अपराध कर्मियों को टिकट भाजपा ने दिया। चितरंजन जी गोपाल जी, चितरंजन जी गोपाल जी, आप लोग आपस में डिबेट मत कीजिए, गोपाल जी एक सवाल तो ये उठता है ना कि आप लोग अब जो बिहार के हैं, 15 साल पिछले 15 साल में 13 साल आप भी उस शासन में भागीदार रहे हैं, 2015 से 17 छोड़ दिया जाए तो एक सवाल तो उठता है ना कि आप अब आप बात कर रहे हैं कि आईटी हब हम बनाएंगे, इस घोषणा पत्र में बात कर रहे हैं आप, बात कर रहे हैं कि मत्स्य पालन केंद्र हम डेवलप करेंगे, बिहार को नंबर वन स्टेट बनाएंगे, आप बात कर रहे हैं कि हम दवा उद्योग लाएंगे, उसके लिए सब्सिडी देंगे, प्रोत्साहन देंगे, तो ये पिछले 3 कार्य इससे कोई करता है कि बिजली सड़क पानी में अगर कोई निष्पक्ष रूप से आकलन करे तो एनडीए की सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन रोजगार के अवसर पैदा करने में आप लोग पिछड़ गए, कहीं ना कहीं आप अपेक्षा के स्तर पर काम नहीं कर पाए, पलायन बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में जाना बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, तो वो जो स्थिति लालू राबड़ी के 15 साल के शासन काल को लेकर आप लोग आरोप लगाते हैं, वो आरोप इन दो सेक्टरों पे आप पर भी है। नहीं देखिए प्रभा जी, 2-3 चीजें मैं समझनी चाहिए, मैंने आपको डेटा के साथ बोल रहा हूँ, अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4 गुना बढ़ी है और जो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट भी अगर 3.5 गुना बढ़ी है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से क्या एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं होगा, रोजगार का? यह तो गलत फहमी है, यह कुछ लोगों का गलत प्रसार है, अगर सड़कें बन रही है, रेलवे बन रहा है, कारखाने बन रहे हैं, आर्थिक विकास हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास हो रहा है, तो बिना रोजगार के कैसे ये हो सकता है, ये तो पूरी तरह से रोजगार है। और सरकारी नौकरियां देने की जो बात करते हैं कुछ लोग कांग्रेस है ये, तो ये बताएं कि सरकारी नौकरियों के लिए बजट इनके पास है क्या, सरकारी नौकरियां कहाँ देंगे, ऐसे कह देना कि मैं नौकरियां बांट दूंगा, 5.5 लाख नौकरियां हम सरकारी दे देंगे, कहाँ से दे देंगे, क्या नए कारखाने लगा, बिना इन चीजों के होगा क्या? हमने पूरा एक प्रक्रिया के तहत बात की है कि हम सड़क बनाएंगे, वाटरवेज क्रिएट करेंगे, उनके पुल बनाएंगे, उसके साथ ये जो मेडिकल फैसिलिटीज बनाएंगे, मत्स्य पालन का कार्य करेंगे, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत करेंगे, इसी से तो रोजगार होगा, अगर आर्थिक प्रगति हो तो इसी से रोजगार, ये रोड मैप इनके पास बताए ना अभी, नहीं, बजट कितना का बनाते हैं यह तो बताते हैं आप, बजट की कितना परसेंट राशि आप खर्च कर पाते हैं सो तो बताइए, कितना परसेंट आप खर्च कर पाते हैं, तो खर्च तो कर पाते नहीं है, बजट बनाते हैं खर्च कर नहीं पाते, दूसरा जो खर्च भी होता है वह तो घोटाला हो जाता है, जो बजट जो सरकारी राजकोष का पैसा आप निजी खाता में जमा करवाते हैं, आइडर दिखा देते हैं कि खर्च हो गया, जैसे सीजन जैसा बड़ा इतना बड़ा घोटाला हो गया, तो इसलिए लोगों को 15 साल में आपने क्या किया है, करेंगे यह बात नहीं, अब यह बात कहाँ है, जनता अब आपको मौका नहीं देने जा रही है कि करेंगे, आपने क्या किया जनता उसका हिसाब चाह रही है कि आपने 15 वर्षों में क्या किया, आज भी 15 वर्षों में आपके विभाग के नंदकिशोर यादव मंत्री रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री ज्यादा देर तक, और उसके बाद एक गंगा ब्रिज को मरम्मति आप नहीं करवा सके 15 साल में, आप कहते हैं कि मैं सड़क बनवा रहा हूँ, सड़क बनवा रहे हैं कि सड़क बनवाने के नाम पर आप लूट रहे हैं, नहीं सड़क बनवाने के नाम पर आप लूट रहे हैं, जिस राजन शासन काल की आप चर्चा कर रहे हैं शिक्षा के मामले में, 7-7 विश्वविद्यालय लालू जी ने बनवाने का काम किया था, और आप कहते हैं करवाया होता तो जेल में नहीं होते वो, चितरंजन जी 83 की सरकार बनेगी आपके सारे लोग जेल में जाएंगे, वो तो साजिश के तहत साजिश करके आप लोगों ने लालू जी को जेल में भिजवाया है, वो साजिश करके कोर्ट ने भिजवाया है, अगर आपको कानून पे विश्वास नहीं, न्यायिक प्रक्रिया जानते हैं, न्यायिक प्रक्रिया अभी जगह जानते हैं तो
लोअर कोर्ट के फैसला को अपर कोर्ट में चुनौती दी जाती है और चुनौती देने के बाद वहां से आपने क्या किया चुनौती चुनौती वह हो रहा है लेकिन आप लोगों की साजिश था, आप लोगों ने साजिश रच के लालू यादव को जेल के अंदर बंद करवाया, आप लोगों ने साजिश तेजस्वी के खिलाफ में साजिश रचा, क्या साबित हुआ 20 महीना डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव, आप लोगों ने साजिश रचा, साजिश में नीतीश कुमार शामिल हो गए, क्या हुआ सामने, सामने क्या आया, सवाल पूछते हैं घूमटी घूमटी पर जो है मरकीन के कपड़ा बेचने वाला आज जो है 20-25 मल्टी नेशनल कॉर्पोरेट घराने का मालिक बन गया, यह नहीं दिखाई पड़ता है जो पहले घूमटी पर वो गुलबी घाट में घूमटी पर कपड़ा वो बेचता था कफन बेचता आज जो है सो सारा एजेंसी देखिए पटना में उसके नाम से हो गया, ये नहीं दिखाई पड़ता, दूसरे से ही साफ पूछते हैं चढ़ने के लिए स्कूटर नहीं था साइकिल पर चढ़ता था आज BMW पर चढ़ रहा था वह जो कहां से आएगा ये नहीं दिखाई पड़ता, सब जगह हर जिला में भाजपा का ऑफिस खुल गया, बिल्डिंग बन गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, ऊपर से टपक गया, क्या बात करते, दोहरा नजरिया दोहरा नहीं रखिए और जनता समझ रही है, बिहार की जनता सब समझ रही है और इसीलिए इस बेचैनी में कुछ है नहीं था, क्यों आज एक तेजस्वी के खिलाफ 35 हेलीकॉप्टर पटना हवाई अड्डा पर लैंड किया, प्रधानमंत्री से लेकर भारत सरकार के एक दर्जन मंत्री, आधा दर्जन मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट से सारे लोग यहाँ। चित्रंजन जी आप ना आप सवाल का जवाब दीजिए, आप खुद सवाल करने लगते हैं, ठीक है, दूसरी बात है किसी पर ना किसी पर व्यक्तिगत हमले मत कीजिए, ठीक है, किसी पर व्यक्तिगत हमले मत कीजिए, सवाल तो आप दूसरों की आई पर पूछ रहे हैं, सवाल तो आपके नेता के आई पर भी आ रहा है ना कि तेज प्रताप कुछ नहीं करते हैं, BMW से कैसे चलते हैं, 5 करोड़ की संपत्ति कैसे भर गई, इसका भी जवाब दे दीजिए। सात निश्चय कि भाजपा का घोषणा पत्र जनता किस पर विश्वास करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना है, नीतीश जी कह रहे हैं आप सवाल का जवाब दीजिए, ये तेज प्रताप ने हसनपुर से जो एफिडेविट फाइल किया उसमें जवाब दिया है कि उनके पास BMW है, 5 करोड़ की संपत्ति है, तो आप वो जवाब दे, लोकतंत्र में सबको सवाल पूछने का है, आप गोपाल कृष्ण जी से सवाल पूछ रहे हैं तो आपसे भी जनता सवाल पूछेगी ना, मैं मेरे इस सवाल का जवाब चाहिए ना कि नीतीश कुमार का सात निश्चय या भाजपा का घोषणा पत्र, यह तो पहले बताए, पहले किस पर जनता विश्वास करेगी, किस पर आपकी भी घटक दलों ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र अलग आया है, आपका घोषणा पत्र अलग आया है, लेकिन मेरा संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ है ना, संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ है, इनका संयुक्त घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी हुआ, चलिए गोपाल जी मेरा संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ है, इनका संयुक्त घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी हुआ, ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया गोपाल जी, सवाल ये है कि क्या अच्छा नहीं होता कि NDA के चारों घटक दल एक साथ आते और साझा घोषणा पत्र लेकर आते, हर कोई अलग अलग घोषणा पत्र के लाने से कंफ्यूजन तो होता है, नहीं देखिए प्रभात जी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग मानक से पूरे देश में काम करती है, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक पूरा सा प्रक्रिया हमारे यहाँ पे चलता है कि पहले आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाइए और जनता के साथ जो प्रॉमिस आपका केंद्र में भी देखेंगे प्रदेश में भी देखेंगे, हमने टिक मार्क की तरह एक के बाद एक जो अपने घोषणा पत्र में घोषणा किए हैं वह पूरी तरह से उन चीजों को हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए हमारे घोषणा पत्र में जो हम लोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, हमने अगर 11 संकल्प पत्र में 11 स्टेप्स दिए तो 5 साल बाद हम बता देंगे कि 11 में से हमने 9 किए, 10 किए या 8 किए और बाकी 3 में हम कहां तक पहुंचे, इस तरह की हम पूरी एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म पब्लिक लाइफ में लेके चलते हैं, तो हमने जो 11 स्टेप्स अपने घोषणा पत्र में किए वो हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से किए हैं, हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे और वो बहुत क्लियर है,
अगर हम मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, हम मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, हम एफपीओ की बात कर रहे हैं, हम जो भ्रष्टाचार इसकी जो टेररिज्म और ये जो अलगाववादी है जैसे माले जैसी पार्टी है जो नक्सलवाद को पूरा तरह बढ़ावा देती है, और बिहार बिल्कुल जो जिस तरह से पड़ोसी प्रदेश में नक्सलवाद है वो ये तो पूरी तरह इंपोर्ट कर देंगे। उस जंगल राज को खत्म करने का हम संकल्प लेके आए, तो हमारे 11 संकल्प हैं या पार्टी की प्रतिबद्धता के साथ हम उसका जवाब हम देंगे। और जो साथ ये जो उसके है जनता दल यूनाइटेड के वो अपने हिसाब से चलेंगे और उनमें कोई समन्वय नहीं है, ऐसी बात तो है। समन्वय के साथ देश की जनता हमारी बात पे विश्वास करती, क्रेडिबिलिटी की बात है। अगर कल 10 लाख इन्होंने कहा आरजेडी ने, वो 25 लाख कर दे, 15 लाख कर दे, इसकी बात नहीं है। बात यह है कि आपने पीछे 15 सालों के पहले क्या डिलीवर किया, पूरी तरह से गुंडा राज था और बूथ कैप्चरिंग ही एक वहां पे, और फिरौती यही वहां पे रोजगार के सृजन के लिए आरजेडी के काम थे। नहीं तो इस तरह से कैसे हो सकता था कि इनका परिवार, इनका पार्टी का सबसे बड़ा मुखिया जेल में रहे, इनके परिवार में एक पत्नी, मतलब पूरे बिहार में पूरे देश को नेतृत्व देने वाले ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप आज आज, आज भी आप सबों के राजनीति लालू यादव पर टिकी हुई है। और उस गोपाल जी चिकंदन जी अब हमारे पास इतना ही समय था, आप दोनों हमारे शो में आए, हमारे पाठकों के लिए अपने अपने पार्टियों की का पक्ष रखा, आप दोनों का धन्यवाद। लाइव हिंदुस्तान में हम कल फिर आएंगे नए मेहमानों के साथ, बिहार को लेकर आपको फिर से अपडेट करेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।